तेजी से आगे बढ़ती हुई दुनिया एक तरफ, तेजी से नर्क की ओर भागती हुई दुनिया दूसरी तरफ। प्रभु की वाणी है, अब समय और विलंब ना करेगी। इन अंतिम दिनों की सेवकाई में क्या सिर्फ बुजुर्गों और युवाओं का ही कार्य है? क्या छोटे बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। योएल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन में किसके बारे में कहा गया है? देखो, प्रभु की आत्मा बच्चों पर उंडेली जाएगी और वो दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। सामर्थ्य का प्रकट होना और उनके द्वारा सामर्थ्य प्रकट की जाएगी। योएल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन में, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 17वां वचन, भजन संहिता 8वां अध्याय 2रा वचन, मत्ती 21वां अध्याय 16वें वचन में यह कहा गया है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नवजात शिशु से लेकर 12 साल के बच्चों के माध्यम से प्रभु इस दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं। क्या अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता के अभिषेक को आज के बच्चों पर उंडेला जाएगा? क्या प्रभु उनके द्वारा बात करेंगे? यहाँ आप ही देखिए और सोचिए। नुहा के काल में जो लोग रहते थे उन्होंने प्रभु के विरुद्ध कर्म किए और प्रभु के क्रोध का शिकार बन गए थे। तो प्रभु ने इस पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बनाई। जो विनाश आने वाला था उसके बारे में प्रभु ने नुहा से बात की। उन्होंने उन्हें लोगों को बचाने के लिए एक चेतावनी का संदेश भी दिया था। उसी तरह आने वाले विनाश से हम सबको बचाने के लिए प्रभु छोटे बच्चों के जरिए चेतावनी के संदेश देते आ रहे हैं। ऐसा ही एक महान अनुभव प्राप्त हुई एक बच्चे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारी दोस्त श्रेया आप सभी की तरह एक छोटी सी बच्ची थी। एक दिन उसने एंजल टीवी ने आयोजित किए एंजल कुट्टीज़ के भविष्यवक्ता शिविर में हिस्सा लिया। यही वो समय था जब प्रभु ने उससे पहली बार बात शुरू की थी और तब उसे आखिरी दिनों की भविष्यवाणी का अभिषेक भी प्राप्त हुआ था। हाय दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है। मुझे प्रभु ने दिखाए स्वप्न और दर्शनों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2015 में जब पहली बार मैंने शिविर में हिस्सा लिया, फिर प्रभु ने मुझे अभिषेक प्रदान किया था। तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझ पर पवित्र पानी उंडेल दिया हो, ऐसा मुझे लगा था। जब से अभिषेक प्राप्त हुआ है, तब से मेरी प्रार्थना करने का समय और बढ़ गया है और मेरा बाइबल पढ़ने का समय भी और बढ़ गया है। और इससे श्रेया की एक बात बताती हूँ। शुरुआत में उसने मुझसे उसके स्वप्न के बारे में बताया था। उस समय उसे चिकन पॉक्स हुए थे। उसके ज़ुबान के नीचे बहुत फोड़े हो गए थे और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तब प्रभु से प्रार्थना करो, ऐसा उसने मुझसे कहा। प्रभु यीशु सब ठीक कर देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मैंने उससे कहा। उसके बाद उसने बहुत देर तक रोते रोते प्रार्थना की और वो सो गई। और उसके बाद मैं वो जैसे ही नींद से जागी तब उसने मुझसे कहा कि मम्मी सुनो ना, मुझे आपसे एक बात बतानी है। एक बार 2015 में उस समय मुझे चिकन पॉक्स हुए थे। उस समय मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये और बढ़ जाएगा और मुझे कुछ हो जाएगा। और फिर मैंने उस रात प्रभु यीशु से रो कर प्रार्थना की और प्रभु पर विश्वास रखकर मैं सो गई। और जब मैं सो रही थी तब प्रभु यीशु मेरे स्वप्न में आया और मुझसे कहा कि मेरे होते हुए तुम डर क्यों रही हो? तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा और उनके ऐसा कहते ही मैं ठीक हो गई। सच में प्रभु यीशु ने दिखाया और यही मेरा पहला स्वप्न था। एक दिन जब वो चर्च की सेवकाई करते समय प्रभु की आराधना कर रही थी, तब स्वर्गदूत वहाँ आए और उसे स्वर्गलोक में लेकर गए। श्रेया ने वहाँ स्वर्गलोक में बहुत सी चीजें देखी। दोस्तों, मैं मेरे दूसरे दर्शन के बारे में बताती हूँ। एक दिन हमारे चर्च में अमावस्या की प्रार्थना थी। मैंने भी उसमें हिस्सा लेकर प्रार्थना की थी। तब मैंने प्रभु की आराधना भी की थी। तब वहाँ दो स्वर्गदूत आए और वो मुझे स्वर्गलोक लेकर गए थे। मुझे एक बड़े से गेट के पास छोड़ दिया। फिर वहाँ प्रभु यीशु आए थे और वो गेट धीरे से खुल गया। फिर बाद में प्रभु यीशु ने मुझे अंदर बुलाया और मैं अंदर चली गई। और वहाँ पर 1000 सीढ़ियाँ सुनहरे रंग में चमक रही थीं। फिर प्रभु यीशु मुझे ऊपर लेकर गए और मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी कोई एक इच्छा बताओ, मैं उसे अभी पूरी कर दूँगा। फिर बाद में मैंने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु यीशु मुझे स्वर्गलोक देखना है, वो दिखा दीजिए। तो प्रभु यीशु ने मेरी बात मान ली और कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर बाद में प्रभु यीशु ने मुझे पूरा स्वर्गलोक दिखाया। और फिर बाद में प्रभु यीशु ने मुझे देशों के लिए, उनके लोगों के लिए और उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। और फिर उन्होंने लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा। और फिर मैंने कहा, प्रभु यीशु आपकी इच्छानुसार हो। ये मेरा दूसरा दर्शन था। श्रेया ने प्रभु यीशु से एक बहुत सही चीज़ मांगी। प्रभु के राज्य को पाना ही हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये बात अनंत काल की है, इस दुनिया की चीजें नष्ट हो जाएंगी। जिस तरह प्रभु ने नुहा से बाढ़ आने का खुलासा किया था, उसी तरह तमिलनाडु को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली बाढ़ का खुलासा प्रभु ने श्रेया से किया था। एक दिन उसने मुझे एक बात बताई। रात के समय जब वो प्रभु यीशु की प्रार्थना कर रही थी, तो उस जगह के लिए प्रभु ने उसे प्रार्थना करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। और मैंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। मैं उससे बार बार ये पूछती थी कि क्या वो सच बोल रही है। और फिर उस बात के बाद एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी, इस साल कोई भी दिवाली नहीं मना पाएगा, क्योंकि इस साल बहुत बारिश आने वाली है। उसने मुझसे ऐसा कहा था। बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा है। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या वो दोनों सच बोल रहे हैं। मुझे उन दोनों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि मम्मी दिवाली आने दो और फिर तुम खुद ही देख लेना कि बाढ़ आती है या नहीं आती है। 2015 में चर्च में आराधना चल रही थी। जब मैं प्रभु की आराधना कर रही थी, तब प्रभु यीशु मुझे बहुत से अलग अलग जगहों पर लेकर गए थे। और फिर एक जगह एक नदी थी जो कि नीले रंग की थी और बहुत ही गाढ़े नीले रंग की थी, और उस नदी में बहुत से क्रेन्स भी थे। और फिर प्रभु ने मुझसे कहा कि 2015 में ठीक इसी जगह पर बाढ़ आएगी और उस बाढ़ की वजह से बहुत से लोगों की जान जाने वाली है, ऐसा मुझे यीशु पिता ने कहा। और मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा और ये भी कहा कि इस बाढ़ की वजह से बहुत से लोगों के घर नष्ट होने वाले हैं, और उसके लिए जब प्रार्थना करने को कहा, तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन आपको उन्हें बचाना ही होगा। और ये भी कहा कि प्रभु यीशु, आपको मेरी प्रार्थना ज़रूर सुननी होगी, ऐसा मैंने प्रभु से कहा। और उसके बाद प्रभु मुझे वापस चर्च में लेकर गए। वापस आकर मैंने प्रभु ने जैसा कहा वैसे मैंने प्रार्थना की। बाढ़ में नुकसान पहुँचने वाले लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, इसलिए प्रभु ने मुझे भेंट दी और मुझे आशीर्वाद भी दिया। तब जाकर मुझे भरोसा हुआ कि मेरे बच्चे सच कह रहे हैं, और मैंने उन्हें बढ़ावा देना शुरू किया ताकि वो अच्छे से प्रार्थना कर सकें और अच्छे से दर्शन भी देख सकें। अगर वो प्रार्थना करेंगे तो उन्हें आखिरी दिनों के भविष्यवाणी की भेंट मिलेगी, ऐसा कहकर मैंने उन्हें बढ़ावा देना शुरू किया और उन्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किन चीज़ों के लिए करनी चाहिए, ये सिखाना मैंने शुरू किया। इस बात से हमें ये समझ में आता है कि प्रभु इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके लोग नष्ट ना हो जाएं। इन दिनों वो आने वाले विनाशों के बारे में बच्चों से बात करते हैं। एक दिन जब वो कलीसिया में प्रार्थना कर रही थी तब एक युद्ध शुरू हुआ। वो कौन सा युद्ध था? एक दिन मैं कलीसिया में प्रार्थना कर रही थी तब प्रभु मुझे अचानक से मुझे स्वर्गलोक लेकर गए और फिर ईश्वर पिता ने कहा कि यहाँ एक युद्ध चल रहा है शैतान और तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों के बीच में। जब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूँ, फिर प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक भेंट देने वाला हूँ, इसे इस्तेमाल करो, शैतान को मारकर उसे हराकर तुम वापस आ जाओ। और जब मैंने प्रभु को उस भेंट के बारे में पूछा तब प्रभु ने मुझे पास बुलाया और मुझसे वो भेंट लेने के लिए कहा। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि तलवार थी वहाँ पर और चांदी से बना एक ड्रेस था, उसे इस्तेमाल करके शैतान को हराकर प्रभु ने मुझे वापस आने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने कहा मैंने और सारे बच्चों ने प्रभु की शक्ति का इस्तेमाल करके शैतान को हरा दिया और उसके बाद प्रभु यीशु मुझे वापस कलीसिया में लेकर गए और वहाँ से वो चले गए। और फिर मैंने प्रभु यीशु का वो तलवार और चांदी का ड्रेस देने के लिए मैंने धन्यवाद किया। श्रेया की तरह आपको भी शैतान को हराना चाहिए, यही प्रभु की इच्छा है। आपको भी प्रभु से वो तलवार मांगनी चाहिए जो उन्होंने आपके लिए रखी है। हमें घोड़े की सवारी करना पसंद है। प्रभु यीशुआ श्रेया को एक घोड़े पर बिठाकर लेकर गए और उसे बहुत से अलग अलग जगह लेकर गए। ये बहुत ही दिलचस्प है। जब मैं खेल रही थी तब प्रभु यीशु ने मुझे एक घोड़ा दिया था और मुझे उस पर बिठा कर लेकर गए और फिर बाद में उन्होंने मुझे बहुत सी भेंट दी और मुझे खुश कर दिया। तब मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। उस समय मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सफ़ेद घोड़े की सवारी करूं या किसी और घोड़े की सवारी करूं और उस दिन प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। इसके लिए मैं प्रभु की बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर उन्होंने मुझे इस देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। अब बहुत से लोग प्रभु के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उन सभी लोगों ने जितने भी पाप किए हैं उन पापों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने मुझे धन्यवाद कहा और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु यीशु मैं और प्रार्थना करूँगी। और फिर प्रभु यीशु ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे घर जा सकती हो। फिर यीशु पिता ने मुझे उसी सफ़ेद घोड़े पर बिठाकर उसी मैदान में छोड़ दिया जहाँ मैं खेल रही थी। जो भविष्यवक्ता प्रार्थना करते हैं प्रभु उनसे बहुत से खुलासे करते हैं। मैंने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी कलीसिया थी वो नष्ट हो रही थी और बहुत से बाकी की कलीसिया थी वो प्रभु के अस्तित्व को मान नहीं रही थी। फिर प्रभु यीशु ने मुझे एक चीज़ दिखाई और कहा कि भजन संहिता के 25वें अध्याय के 3 वचन को बताया। प्रभु ने मुझसे कहा कि जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो उसे कभी भी शर्मसार मत करो, उन्हें शर्म आने दो जो किसी भी कारण बिना विद्रोही जैसा प्रस्ताव करते हैं, ऐसा मुझे प्रभु यीशु ने कहा था। तो फिर मुझे प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें बहुत से आशीर्वाद मिलेंगे, ऐसा प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। उसका भाई बहुत ही प्यारा गीत गाते हैं, क्या हम उनका गीत सुने? दोस्तों, मैं और मेरी बहन आपके लिए गीत गाने वाले हैं, आप सुनेंगे? Through the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His throne, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His throne. And heavenly nature sing, and heavenly nature sing, and heaven nature sing. श्रेया का भाई बहुत ही अच्छे से प्रार्थना करता है, वो प्रभु की आराधना करता है। प्रभु यीशु ने उससे बात भी की है। मेरा नाम जेसन है और मैं श्रेया का भाई हूँ। मुझे श्रेया बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो बहुत ही शरारती है, वो हमेशा मुझे मारते रहती है और मैं भी उसे मारता हूँ। वो अपने आत्मिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो हमेशा बाइबल पढ़ती है और प्रार्थना करती है। वो हमेशा नियम से संडे स्कूल भी जाती है और चर्च भी जाती है। मैं भी आत्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी मम्मी ने उसे समर्पित कर दिया है एक भविष्यवक्ता के रूप में और मुझे एक शहीद के रूप में प्रभु यीशु को। मेरी मम्मी हमेशा ही प्रभु की बहुत ही ज्यादा मन से प्रार्थना करती है। एक दिन जब मैं रात के प्रार्थना के समय प्रार्थना कर रही थी, तब मेरे बेटे के सर पर मैंने हाथ रखकर प्रार्थना की, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि ये एक शहीद बनने वाला है। ये बात सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई, लेकिन ये बात मेरे बेटे को बताने से मैं हिचकिचा रही थी, मैं उससे ये बात नहीं कह पा रही थी। एक दिन जब हम मिलकर प्रभु यीशु के और बाइबल के बारे में बात कर रहे थे, तब मैं उसे बता रही थी कि प्रभु ने मुझे एक सेवा दी है और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। उसने कहा कि प्रभु ने उसे बताया है, उसने ऐसा कहा कि वो एक शहीद बनेगा, ऐसा प्रभु ने उससे कहा है। ये बात सुनकर सच में मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये बात मैं उसे समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ। मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि ये बात मैं उसे कैसे समझाऊँगी, लेकिन प्रभु ने उसे ये बात खुद समझा दी थी, इस वजह से मेरी परेशानी दूर हो गई। श्रेया अगर कभी बीमार भी पड़ जाती है तो वो कभी भी दवाइयाँ और टेबलेट्स नहीं लेती है, कभी भी उसे दो तो मना करती है और वो तभी ठीक होती है जब मेरी मम्मी उसके लिए प्रार्थना करती है। जब वो बीमार पड़ती है तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती है, पर वो हमेशा ही बहुत मन से प्रार्थना करती है और हमेशा ही बाइबल पढ़ती है। वो हमेशा से ही प्रभु यीशु के लिए प्यारी बच्ची रही है और वो हमेशा प्रभु को ढूंढती है। मैं उसके आत्मिक जीवन में उसका हमेशा से ही उत्साह बढ़ाते आया हूँ, उसका उत्साह मैं बढ़ाते रहता हूँ। भविष्यवाणी करने वाली श्रेया और उसका भाई, जिसे शहीद बनने के लिए बुलावा आया है, इन दोनों के ऊपर भी प्रभु का महान आशीर्वाद है। दोस्तों, इनके माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, उन पर इनसे भी ज्यादा आशीर्वाद है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बेटी है श्रेया, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जब वो यूकेजी में जब वो पढ़ती थी तो अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ रहती थी। वो शुरू से ही रुचि रखती थी चर्च जाने में और नृत्य करने में, और वो गीत भी बहुत अच्छे से गाती थी अपने बचपन से ही। जब वो यूकेजी में पढ़ती थी तो उसे अपने गीतों के लिए पुरस्कार मिला था। अभी वो छठी क्लास में पढ़ती है। उसके बाद वो रात हो या दिन हो चर्च जाती है। वो हमेशा उसकी बाइबल पढ़ने में हमेशा से रुचि रहती है और साथ ही में वो अपनी पढ़ाइयों में भी रुचि रखती है और उसी के साथ साथ वो प्रभु यशुआ में भी रुचि रखती है। बच्ची के बारे में मुझसे भी ज़्यादा मेरी पत्नी जानती हैं क्योंकि ये उसकी हर दिन सहायता करती है, तो ये उसके बारे में आपको बताएगी। मैं श्रेया की मम्मी हूँ। उस समय जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उस समय मैं बहुत प्रार्थना किया करती थी और उस समय मैंने प्रभु को खुद को सौंप दिया था। उसका जन्म होने के बाद ही मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। उस समय प्रार्थना ने ही मुझे बहुत साथ दिया था। उसका जन्म होने के 2 महीने बाद मुझे उसकी देखभाल करने में बहुत दिक्कतें आई। मैं हमेशा ही प्रार्थना करती रहती थी और प्रभु को उसे सौंप देती थी। मैं दोनों बच्चों को प्रभु को सौंप कर प्रार्थना करती थी। जब वो छोटी थी तब वो 1 साल से लेकर 4 साल की होने तक मेरी बहन के घर पर ही बड़ी हुई थी। वहाँ पर भी उन लोगों ने उसे आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ाना है उस बारे में शिक्षा दी थी। मेरी बहन मुझसे हमेशा कहती थी कि वो एक बाइबल लेगी, बाइबल के साथ गीत की पुस्तक भी लेगी और उसके माथे पर शाल रखकर प्रार्थना करेगी। तो वो आत्मिक रूप से बड़ी हो रही थी। ये बात सोच सोच कर मुझे उस समय बहुत खुशी हो रही थी। और जब वो यूकेजी में पढ़ रही थी तब मैं उसे यहाँ चेन्नई लेकर आ गई। और शुरू में यहाँ आने के बाद मुझे चर्च में जाने के लिए बहुत दिक्कत लग रही थी, लेकिन पिछले 4 सालों से मैं उसे हर हफ्ते चर्च में लेकर जा रही हूँ और चर्च के हर एक कार्यक्रम में मैं उसे शामिल भी करती हूँ। अलग अलग कार्यक्रम में, बच्चों के हर एक कार्यक्रम में मैं उसे भेजती हूँ। उसे हुए दर्शन के बारे में वो मुझे 2015 से बताती आ रही है। वो कहती है कि उसने प्रार्थना के समय प्रभु यीशुआ को देखा है। माँ, मैंने प्रभु को देखा है और उनसे बात भी की है। और कहती है कि स्वर्गदूत उसके साथ खेले और उसे स्वर्गलोक में भी लेकर गए, ऐसा कहती है। और शुरुआत में मुझे उस पर भरोसा ही नहीं हुआ था, मुझे संदेह आता था। लेकिन जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तब मैं उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही थी। तब एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद दे दिया है। जब मैं मेरे बेटे के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही थी तब प्रभु यीशु ने कहा कि उनके पास मेरे बेटे के लिए सेवकाई है। तो जब भी मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ तब प्रभु मुझे बताते हैं कि मुझे मेरे बच्चों को कैसे बड़ा करना है, उनकी किस तरह से परवरिश करनी है, वही बताते हैं मुझे। वो कभी भी चर्च में जाने के लिए ना नहीं कहती है। किसी भी चीज़ के लिए वो मुझे ना नहीं कहती। अगर मैं कभी ना जाऊँ तो वो अपनी मर्जी से ही चर्च जाते हैं। इसी वजह से हम बहुत खुश हैं कि प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। इस एक बात का हमें बहुत बड़ा संतोष है। मैं उसे उसके आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, आपको योद्धा बनना ही है तो आपको शैतान को हराना ही चाहिए, आपको लोगों को बचाना ही चाहिए। इसके लिए आपको आखिरी दिनों के भविष्यवाणी के अभिषेक की जरूरत है। क्या अब हम उसके लिए प्रार्थना करें? चलो प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आपने मेरे दर्शनों के बारे में सुना है ना? आपको भी ऐसे दर्शन देखने हैं? अब मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु, हम आपकी स्तुति 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 करते हैं। प्रभु यीशुआ, सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। महान प्रभु यीशुआ, उन सभी बच्चों को आखिरी दिनों के योद्धा बनने में मदद कीजिए। ईश्वर पिता, आपको आपके शहीद बनने में मदद कीजिए। उन सब पर आपकी कृपा कीजिए। ईश्वर पिता, उनकी रक्षा कीजिए। ईश्वर पिता, उन सबको सुरक्षित रखिए। ईश्वर पिता, उन्हें प्रभुजी देवा पर सुरक्षा प्रदान कीजिए। उन्हें शक्तिशाली बनने में मदद कीजिए। ईश्वर पिता, प्रभु, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, ऐसा कीजिए। वो भी मेरे जैसे दर्शन देख सके, इसके लिए उनकी मदद कीजिए। ईश्वर पिता प्रभु वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और उनके माता पिता को खुश रख सके, ये सब करने में उनकी मदद कीजिए। महान प्रभु यीशुआ पिता वो पढ़ाई के अलावा भी दूसरे कामों में अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसके लिए उनकी मदद कीजिए। महान प्रभु यीशुआ उनकी मदद कीजिए। महान प्रभु यीशुआ उन्हें रोज़ चर्च में जाना चाहिए। हाय यीशुआ पिता चर्च जाने में उनकी सहायता मदद कीजिए। आखिरी दिनों के भविष्यवक्ता बने वो, ऐसा कीजिए। महान प्रभु यीशुआ यीशुआ पिता उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। महान प्रभु हर एक छोटे बच्चे की मदद करके उन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। महान प्रभु यीशुआ यीशुआ पिता आपके सिवा उनका कोई नहीं है। महान प्रभु यीशुआ आपके महान ज्ञान को उनके ऊपर उंडेल दीजिए। यीशुआ पिता हम यीशुआ पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज़, एंजल टीवी, विल्लीपक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।